तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशी में हमें प्रोग्राम आज की शिरकत में ऐसी पर्सनालिटी ने टाइम दिया है जो अपने कौम के एक सरदार के हैं और बेहतरीन इंसान भी हैं और एक स्पेशल एक्टिविटी के चेयरमैन भी हैं। तो आज हम आपको उससे गुफ्तगू कराएंगे उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी अपनी बायोग्राफी से कि उसने अपनी तालीम कहाँ पे कंप्लीट की और अपनी एक्टिविटी क्या क्या अपने एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आज उसकी शख्सियत पे हम बात करेंगे। तो वन एंड ओनली मी सरदार बकर हुसैन खानी साहब आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है और आपकी फॉर्म आपकी बायोग्राफी आपसे पूछना चाहती है कि आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से गुजारी, आपका जो अपना खानदान है, सरदारी जो निज़ाम है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और कौन सी सेंचुरी में चल रहा है। तो टोटल बायोग्राफी की हमारे नागरिक सुनना चाहते हैं। जो भी हमारे सिंध के अंदर खोमे हैं, बिरादरियाँ हैं, कबीले हैं, उनका एक पस मंज़र तारीखी होता है। हम राजस्थान से यहाँ पहुँचे हैं, असल हम राजपूत हैं। ये आप ऐसे समझें कि खिलजी के ज़माने से पहले थे। अगर आप मैं बताऊं तो इससे भी पहले है। इस्लाम तो बाद में आया, पर जब जैन मज़हब था तो हमारे बड़े जैन थे। जब हिंदुज़म हिंदू आया तो हिंदुज़म आया तो हम हिंदू थे। जब बुद्ध आया तो हम बुद्धिज़्म में थे और उसका निशान आप मोहनजोदड़ो मिलता है। लेकिन हम राजस्थान के रहने वाले हैं, जैसलमेर के तरफ हमारी अब की जो है जागीरें थी। तो तारीख के हवाले से जो है हम इलावल्दी खिलजी के साथ हमारे बड़ों का टकराव हुआ, जंग हुई है, वो बतारीखी जंग है जहाँ हमारे चार सरदार थे वो शहीद हो गए। उसके बाद छोटा जो था वो वहाँ से अपना कबीला लेके और वारावाना हो और जब ये साइड खैरपुर वाले लेके आए तो यहाँ से कुछ रैया आसाम चले गए, पंजाब की तरफ चले गए, कुछ इस तरफ आ गए, लाड़काना की तरफ आ गए। तो इस लाड़काना के अंदर इस वक्त हमारे 12-13 गाँव हैं अपनी कौम के, उनके नाम पर है। तो उस वहाँ के आबाद हुए। उसके बाद कलहड़ों का ज़माना था, घाड़वा यहाँ से निकाल रहे थे दरिया से डायरेक्ट एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। उसमें हमारी नंबर 4 कुदाल थी, हमारी कौम ने वो घाड़वा को निकाला, निकाल कर जो है बलूचिस्तान सब तक ले गए। उसके बाद हुक्मरान जो थे वो कलोड़ा थे, उसके साथ भी हमारी थोड़ी ये हुई डिस्ट्रीब्यूशन ज़मीन के ऊपर। हमने कहा कि हमारी 4 नंबर मेहनत इसमें है कैनाल में निकालने में, तो क्यों नहीं आप हमको उसी हिसाब से अपनी ज़मीनें बांट के दे दो। बहरहाल वो बांट के दिया। अब आप जाएंगे घाड़वा के राइट हैंड पर हमारे 12 गांव के गांव है मेरा और वो गांव महबूब जो बंगलो एक गांव है मेरा जो हमारे सरदारों का वो अमाजगाह है। अभी भी वहाँ मुकबरा है, उसमें 5 सरदार दफन हैं। तो पुश्त सरदारी घराने से ताल्लुक रखता हूँ मैं। और उसके बाद ये जो है मैं तालीम अपनी प्राइमरी जो है स्टार्ट की वो अपने गांव से की। 47 में 70-40 यानी जब पाकिस्तान बना 47 में मैं वो हिजरत करके यहाँ आ गया, क्योंकि उस वक्त सैलाब आ गया था। तो सैलाब से बचने के लिए लाड़काना आ गए। ग्रेजुएशन करने के बाद ग्रेजुएशन मैंने लाड़काना से की। मैं जब कराची गया तो वहाँ मैंने सर्विस की। मैंने पहली सर्विस जो ली थी उसकी तनख्वाह थी 150 रुपये, ये 64 की बात है। उसके बाद 68 में फिर मशीन टूल फैक्ट्री में जो है वो सर्विस की, मेरे ख्याल में 7.5 रुपये की डेली वेज। आगे वो बढ़ता गया। वहाँ जब टूल फैक्ट्री में मैंने स्टार्ट किया अपना, तो वहाँ मज़दूरों का एक साथ मिल गया और फिर बड़े बड़े जो एक्टिविस्ट थे कराची में रहते थे उनके साथ दोस्ती हुई, वहाँ से कुछ सीखा मैंने। तो मेरी 40 साल जो ज़िंदगी है वो मज़दूरों के लीडरों में गुजरी, जिसमें हमें कैद जाना भी पड़ा
और बहुत से वक्त के हाकिम के साथ टकराव भी खाना पड़ा, लेकिन मजदूर काज को जो है हमने छोड़ा नहीं और वहाँ अपने इलाके के लोगों को बुलाकर इन नौकरियाँ दे दी, चाहे वो टूल फैक्ट्री हो चाहे आर्मी अकाउंट्स हो, हम चुन चुन के नहीं। उसमें बहुत से दोस्तों का साथ था। उसके बाद स्टील मिल बनी, स्टील मिल के अंदर भी मैं आपको बताऊं कि 400 आदमी हमारे बलोच और सिंधियों को मैंने वहाँ से रशिया के एम्बेसडर से मिलकर और रशिया ट्रेनिंग के लिए भेजा और वो ट्रेनिंग करके आ गए। एक बात मैं आपको निशानदेही करना चाहता हूँ, भुट्टो साहब ने जब ओथ लिया था एज अ प्रेजिडेंट एंड मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, 7 दिन के बाद इस्लामाबाद से आ रहे थे और 7 दिन के बाद इस्लामाबाद से कराची आ रहे थे, तो कराची का घेरा मैंने कर दिया। जो भी पस मंजर में गांव थे, जुमा घोट के गांव थे, रजाक गबोल का गांव था और बहुत से गांव लोगों से, एक 7 बसें भर के, अभी जहाँ 2 तलवारें हैं वहाँ एक पानी का फुहारा लगा हुआ था, तो वहाँ मैंने घेरा किया। अरे ये वो कराची का मंजर रहा था, क्लिफ्टन से ओल्ड क्लिफ्टन में कोई आबादी नहीं। भुट्टो साहब ने बुला लिया, अंदर मीटिंग चल रही थी। बहरहाल उसके बाद मुझे तारिक आर्मी उनका था सेक्रेटरी था, उन्होंने कहा कि एक बंदा चले। मैंने दोस्तों को कहा भाई अब जाएँ कोई भी, उन्होंने कहा आप चले जाए। मेरे खैर मैं गया, जब अंदर गया तो मीटिंग ख़त्म हुई थी, लेकिन मुमताज़ भुट्टो साहब बैठे थे, हफीज़ मीरज़ादा साहब, कासिम पटेल साहब बैठे थे, अब्दुल्ला बलोच बैठे थे और भी बहुत से बैठे थे। जैसे मैं अंदर दाखिल हुआ तो भुट्टो साहब ऑफिस टेबल के साथ खड़े हुए थे, सिगार हाथ में था, वो अंग्रेज़ी में और उर्दू में बोल गया कि 7 दिन हुआ है, मुल्क आधा हो गया है, तुमने स्ट्राइक कर दी है, मैं समझता हूँ कि आप किस किट में इशारे पर काम करते हैं। और इतना मतलब उसमें आवाज़ में दबदबा था और चैलेंजिंग था, मैं कह रहा था, मैं समझ रहा था कि मैं अब जेल में जाऊँगा, लेकिन जब उसने 5 मिनट थोड़ा सा एक वक्फा दिया, नरमी इख्तियार की अपने अल्फाज में, तो फिर मैंने उसको सिंधी में कहा कि सर 5 मिनट मुझे सुनो, अगर मैं गुनाहगार हूँ तो चलो जो सजा तो मुझे कबूल है। हमने जिए भुट्टो का नारा इसलिए नहीं लगाया था कि हमें रोज़गार नहीं मिलेगा, हम बेरोज़गार रहें, धरती भी हमारी, कारखाना भी हमारे धरती पर और नौकरियां भी हमको न मिले। अगर ऐसे गुनाहगार हम हैं तो भुट्टो साहब को मैंने कहा फिर माउजी तल की तरह जैसे उन्होंने वो बेकार लोगों को जहाज़ों में बिठाकर और समंदर में गर्क किया था, हम सिंधियों को भी गर्क करते। उसके बाद उसने मुझे देखा, देख कर मुझे कहा कि मीर साहब, मेरे वालिद साहब को मीर साहब कहते हैं, मीर साहब आपका सर ने उसका बेटा कि इलेक्शन में तुम 3 पीस में मेरे साथ थे, अपने गांव में ले गए थे, ये तुमने होलिया क्या बनाया, खदर की कमीज थी, खदर की शलवार थी और चे वाली टोपी मेरे सर पर थी, सितारा लगा हुआ था। तो बैठो क्या है, मैंने ये मतलब 350 के करीब जो है मशीनिस्ट जो है अपॉइंटमेंट होंगी और ब्रिगेडियर ऑन ड्यूटी था वो जनरल मैनेजर, वो कहता कि मेरिट बेसिस, अगर मेरिट बेसिस आप उठाएंगे तो मुझे बताएं तो ये हमारे इस धरती के रहने वाले ये लोग कहाँ जाएंगे, नौकरियाँ ये हमें मिलनी चाहिए। भुट्टो साहब आ कर लिया, नौकरियाँ मिल गई। सरदारी सुन्नत रसूल है, सुन्नत रसूल के अंदर जब है तो वहाँ इंसानियत है। जब भी कोई इलाका मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह करते थे तो वहाँ सरदार मुकर्रर करते थे और लोगों को कहते कि ये आपका सरदार है। अब सरदार की भी क्वालिटीज होती है, आज मतलब पढ़ा लिखा हो, बहादुर हो, शुजा हो और उसमें इतनी सलाहियतें ज़रूर होनी चाहिए कि अपनी कौम को संभाले, उस इलाके को संभाल ले, ये है उसका सिलसिला। अब आज के सरदारी को अगर मैं देखना चाहूँ उस नज़र में देखूँ, बेशक मेरे सरदार भाई जो पट्टे भाई कहते हैं हम उसको, अगर नाराज़ हो जाएं तो हो जाएं, सरदारी ज़िम्मेदारी का नाम है, सरदारी क्लेशन कोफ का नाम नहीं है, सरदारी बॉडीगार्ड लेके चलने का नाम नहीं है, सरदारी जो है सरदार जो है वो टोटली सरेंडर बिफोर द पब्लिक, वो पब्लिक का गुलाम है। हमसे हमारी धरती तंग की जा रही है, हमें गुलाम बनाया जा रहा है, हमारे इंदर आने वाली नस्ल को गुलाम बनाया जा रहा है। खुदा की कसम कभी तनाई में सोचता हूँ तो मैं रो देता हूँ। आज की पीपल्स पार्टी है ही नहीं, आज है जरदारी ली गए और उससे मैं ज़ाती तौर पर मुतमिन नहीं। अब आप देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है सिंध के अंदर, 15 साल की हुकूमत है बेनजीर साहब के जाने के बाद, जिस तरीके से ये निज़ाम चल रहा है वो तो आप आई विटनेस हैं।
कि क्या दिया है आवाम को, क्या दे रहे हैं हम, कहाँ जाएं, ये आवाम कहाँ जाएं, कोई ऐसा सिलेक्टेड वे तो दे हम उस पे चले। चलिए सर, बात ये है, वफाक अपनी जगह पर जो कुछ कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है। IMF से, वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा लेता है उतारता नहीं है, उसके बाद अपने असासे जो हैं वो बेच कर जो हैं और मुल्क को चला रहे हैं, क्या ये अच्छी पॉलिसी है? उसके बाद अगर हमारे सूबों के अंदर जिस तरीके से उनका रवैया है सब वफाक का, वो कोई सही है? नहीं सही है। आपकी काबिलियत, आपकी एक्टिविटी, आपका किताब, वो आपको अकेले से भी करना पड़ता है, तो इस पूरी लाइफ में, इस पूरी बीच में आपको कोई अपना मिला? वहाँ से ऐसे लम्हात भी आए कि पूरा फिर पूरा पूरा दिन जो है वो खाना भी नहीं मिलता है। ये ज़िंदगी के वो अप्स एंड डाउन हैं, उससे मैं गुजर चुका हूँ। सर लव मैरिज हमारे माशरे में तो देखिए आप, लेकिन मोहब्बत 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 मैं उसके फेवर में हूँ। मोहब्बत दादा दादा से पहले आप एक महबूब हैं जी जी, तो आप किस सर महबूब के बंगले से ताल्लुक रखते हुए महबूब तो रखना ही पड़ता है, और जब वो महबूब मिल जाता है तो फिर निखार भी आ जाता है जिंदगी। तो आप किसको बिलीव करते हैं, लव को या लव को? सर अच्छा लास्ट में क्या करें, टाइम का शेड्यूल होता है वो कंप्लीट हो गया, इच्छा हमें मिल रहा है लाइफ लास्ट में, आप अपनी तरफ से अपनी फिल्म को, अपने चाहने वालों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने यंगेस्टर को कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, और यंगेस्टर आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि कामयाब होने के लिए तथा जबरदस्त इंसानी बनने के लिए किस रास्ते पे चलना चाहिए, उनके लिए कौन सा आपको मैसेज होना चाहिए? खास करके मैं अपनी बिरादरी को, खास करके मैं अपनी बिरादरी को, क्योंकि मैं कौम नहीं कहूँगा, कौम हम सिंधी हैं, बाकी सांगी जो है वो कबीला है, अब बिरादरी है, ये हैं सब सिंधी हम हैं, तो मैं अपनी कौम को भी मैसेज देता हूँ, अपने बिरादरी को भी मैसेज देता हूँ, अपने कबीले के वालों को भी मैसेज देकर, देखो अगर कुछ आगे करना है तो तालीम का दामन मत छोड़ो, अपने बच्चों को तालीम दिलाओ, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, तालीम के सिवाय आपकी आगे चल के तरक्की नहीं होगी, अगर तालीम नहीं होगी तो फिर इस्तेसाली कुव्वतें तो आपको ग़ुलाम बना देंगी। ऐसा ना हो जो इस वक्त रवैया चल रहा है और आप तालीम का दामन छोड़ दें, तो इसलिए दामन छोड़ना तालीम का वो बर्बादी की तरफ है। 22वीं सदी 21वीं सदी में हम चल रहे हैं, यहाँ इल्म का जो है चारों तरफ से ज़ोर शोर है, तो अपने बच्चों को पढ़ा। नाज़रीन ग्रेट मैसेज आपने जैसे सुना, हमें कल्चर डे को डांस के जरिए या रोटी पहन के नहीं मनाना चाहिए, जो उसका जो मकसद है, जिस मकसद के लिए हम कल्चर डे कन्वर्ट करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, वो भी हमें चीज़ें दिखानी चाहिए और उससे अमल भी करना चाहिए। लास्ट जो चीज़ थी वो है अमल, अमल से आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं और एक किरदार शख्स भी बन सकते हैं। तो नीता की आज आपने बातें सुनी, आपने हर सरदार वाले की बात सुनी, आप हर सरदार की बात सुनते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सरदार है जो सूखी रंग से ताल्लुक रखता है, एक सूचित सूची को बयान करता है, गरीबों के लोगों के बीच में बैठकर उनकी खिदमत करना चाहता है। तो हमें और आज की सारी शख्सियत सरदार वसत इंसानी साहब से मिलेगा ज्यादा इस प्रोग्राम के लिए। जिंदगी यही बाकी तो होंगे मजे गुफ्तगू, जिंदगी रही बाकी तो होंगे मेरे गुफ्तगू, मदर देश राष्ट्र माफी इशू आल द पाकिस्तान जुड़।